हेलो गाइस, 23 जनवरी 2023 का एसएसटी का 31वां क्वेश्चन देखिए आप। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाता माना जाएगा? इसका ऑप्शन इसमें नहीं ढूंढना हमें। अब देखो, ऑप्शन ए, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान समान माना जाता था। ऑप्शन बी, 1920 से पहले तक पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। ऑप्शन सी, 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। ऑप्शन डी, अमेरिका में महिला मताधिकार 21वीं शताब्दी की घटना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देखिए, अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ और 1920 से पहले महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता था। इस प्रकार विकल्प ए सही नहीं है, जबकि 1920 से पहले पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था और अमेरिका में महिला मताधिकार 21वीं शताब्दी की घटना है। इस प्रकार ए को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। 1917 में न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने मताधिकार के लिए अपने अधिकारों की मांग की थी। क्वेश्चन 32, पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं? ऑप्शन ए, साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते हैं। ऑप्शन बी, साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सम्मान करना पड़ता है। ऑप्शन सी, साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत बहुत खराब होती है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प देखिए आप, ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33, 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? ऑप्शन ए जीविका का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भूमि का अधिकार, ऑप्शन डी वन उत्पाद का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीविका का अधिकार। 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष जीविका का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम हुआ। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। क्वेश्चन 34, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य के लोगों द्वारा, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, ऑप्शन सी विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन डी विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमों के अनुसार केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी ये एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक
दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थापे मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनाव के माध्यम से भरा जाता है। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के लिए समर्थ बनाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व, संसदीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीयों को सुख में 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई थी। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को इन अधिकारों की सूची से हटा देने के बाद 6 मौलिक अधिकार रह गए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पूरे भारत में स्वतंत्रता रूप से घूमने, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की, किसी भी व्यापारी व्यवसाय को करने का अधिकार देता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार प्रावधान द्वारा राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के लिए समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन 36, देखिए आप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है 8 मार्च। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है 8 मार्च, 18 अप्रैल, 11 जून, 21 दिसंबर। इसका आंसर होगा 8 मार्च। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि 8 मार्च है। इसमें शामिल है महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न, महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, त्वरित लैंगिक समानता के लिए निर्णय, महिलाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी का चयन पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान का सामना करने वाले में एक फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिए किया गया है। क्वेश्चन 38, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? ऑप्शन ए, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं। ऑप्शन बी, जन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा के मामलों में जांच। ऑप्शन डी, निचली अदालतों से ऊपरी अदालत में किसी मामले को लेकर अपील का प्रावधान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु द्वारा दिशा निर्देश गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। डीके बासु द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, पुलिस की स्पष्ट पहचान, दोस्तों और रिश्तों को बताया जाए और कानूनी सहायता, अन्य मुख्यालयों से संपर्क। इस निर्देश का उद्देश्य उत्पीड़न के संरक्षण से है। क्वेश्चन 39, जेंडरिंग कास्ट थ्रू ए फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए रमाबाई, ऑप्शन बी उमा चक्रवर्ती। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आप, बुक जेंडरिंग कास्ट थ्रू ए फेमिनिस्ट किसने लिखी थी? उमा चक्रवर्ती ने। स्त्री धर्म नीति रमाबाई ने, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय ने, और स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधे ने। क्वेश्चन 40, देखिए आप, सामाजिक हास्यकरण की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, कई व्यक्ति हास्यकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। ऑप्शन बी, हास्यायी समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है। ऑप्शन सी, हास्यायीकरण पराय राजनीतिक सामाजिक
आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जाता है? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, सी नहीं होगा। सही विकल्प चुने ऑप्शन ए, केवल ए केवल बी, केवल ए और बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए सामाजिक हास्यकरण की प्रक्रिया के बारे में, कई व्यक्ति हास्यकरण का अनुभव कर सकते हैं, सही, क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। हास्यायी समूह शक्तिहीनता और पराजय का अनुभव एहसास कराता है। हास्यकरण राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दायरे में इनमें से सभी, ये सभी है और वहाँ एक, किसी सभी महसूस किया जाता है। इस प्रकार कथन ए और बी सही है। हास्यकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हास्य पर ढकेल देना। हास्यकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता। हास्यकृत लोग या समुदाय गरीब या कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। क्वेश्चन 41। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसके या उसकी शक्ति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी, केवल प्रतिभा भावन एवं गुणी अधिगमकर्ताओं पर ही ध्यान देंगे, गलत। ऑप्शन सी, मदबुद्धि अधिगमकर्ता एवं मदबुद्धि मद अधिगमकर्ता जैसे वर्गीकरण का प्रयोग करेंगे, गलत। ऑप्शन डी, दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के प्रति दया सहानुभूति दिखाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए आप, विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसके उसकी शक्ति या क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे के पास उसके उसकी शक्ति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना को संदर्भित करता है। शिक्षकों में निम्न गुणों का होना अनिवार्य है, विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सके। शिक्षक में इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए कि बालकों में किस प्रकार के कौशल हैं, उनके मूल्यों का आकलन करे, अधिगम को आनंददायक बनाने की योग्यता हो, उनमें इस प्रकार की योग्यता हो कि वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचि और आंतरिक प्रेरणा से वाचनीय कौशलों का विकास कर सके। क्वेश्चन 42। देखिए आप, एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धतियों एवं संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को कहते हैं। ऑप्शन ए बहुविषयात्मक उपागम, ऑप्शन बी समावेशी उपागम, ऑप्शन सी इकाई उपागम, ऑप्शन डी अंतरविषयात्मक उपागम, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहुविषयात्मक उपागम। एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धतियां एवं संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को बहुविषयक उपागम कहते हैं। बहुविषयक उपागम एक ऐसा उपागम है जो विभिन्न विषयों के उपागम से एक अवधारणा को परिभाषित करने या समझने की अनुमति देता है। बहुविषयक उपागम किसी मामले या मुद्दे को समझने के लिए विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जहां प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। इसके अंतर्गत सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए दृश्य श्रवण और स्पर्श विधि का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 43। देखिए आप, पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियां और युक्तियां प्रकृति में एक रूप है। ऑप्शन कथन अवबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ये भी गलत और ये भी गलत, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, ये सही है, दो सही है, दोनों तथा सही है। ऑप्शन डी एक और दो तीनों दोनों से दोनों गलत है। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियां और युक्तियां विषय के अनुरूप हो प्रकृति के नहीं, और अवबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। पाठ योजना बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पाठ योजना बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।
प्रकरण को एक या अधिक सोपानों में विभाजित करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों और शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन 44। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन एक, पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है, इसके आकलन आत्मसात कर लिया इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। और कथन दो, पाठ में उठाए गए मुख्य संपत्तियों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों के अपने शब्दों में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ये सही है, प्रोत्साहित कर रहे बच्चों को। तो इसका आंसर होगा दोनों, केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन तीन दोनों एक और दो सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पाठ योजना के अंत में पाठ्य वस्तु को छात्र किस हद तक आत्मसात कर लिया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं और पाठ में उठाए गए मुख्य संपत्तियों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों के अपने शब्दों से समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार एक और दो दोनों सही हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना ताकि बच्चे अधिकाधिक भाषा का प्रयोग कर सके। पाठ के अंत में अभ्यास करने से पढ़े हुए पाठ का पर विश्लेषण हो जाता है। क्वेश्चन 45। कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए गए उदाहरण के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे लेख की व्याख्या तथा समझने के लिए। ऑप्शन बी वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन सी क्यों वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, इसका तर्क देने के लिए। ऑप्शन डी वाल्मीकि के अनुभव पर आत्म विश्लेषण के लिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। कभी कभी मुझे बिना कारण के पीट दिया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए गए उद्धरण के उपयोग से आप विद्यार्थियों की वाल्मीकि अनुभव पर आत्म विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि एवं भारतीय लेखक और कवि थे। अपनी आत्मकथा के लिए विख्यात जूठन को दलित साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में हुआ था। इनकी अन्य रचना जैसे सदियों का संताप है। क्वेश्चन 46। समझ विद्यार्थियों को युद्ध की विभत्सा के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एक शांतिपूर्ण विकल्प को सुलझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त उपागम उदाहरण है। ऑप्शन ए अंतर विषय आत्मक उपागम का, ऑप्शन बी समावेशी उपागम का, ऑप्शन सी बहु विषय आत्मक उपागम का, ऑप्शन डी इकाई उपागम का, ऑप्शन बी समावेशी उपागम का। विद्यार्थियों को युद्ध की भी भत्सा के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एक शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्ययन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं तथा यह समावेशी उपागम का उदाहरण है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक या सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षण ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया मार्ग है। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन एक, लोग संकल्पनाओं और सामान्यकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभव के अर्थ निकालते हैं।
ऑप्शन नंबर नंबर दो, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए बजाय मात्र सूचना को स्मरण रखने के। ऑप्शन ए, ए गलत है परंतु दो गलत दो सही है। ऑप्शन बी, दो एक एक और दो दोनों सही हैं और एक दो का मूल आधार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लोग संकल्पनाओं और सामान्यकरण का उपयोग करते हुए अपने अनुभव का अर्थ निकालते हैं तथा सामाजिक विज्ञान विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए बजाय मात्र सूचना को स्मरण रखने पर। इस प्रकार इस प्रश्न के अंतर्गत कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन एक और दो मूल आधार है। विषय तथ्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तथा तथ्यों की संकलन करने का माध्यम सामान्यीकरण कहलाता है। अनुसंधान करता तथ्यों को सही दिशा में प्रक्षेपित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन 48, देखिए आप, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है, निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ योजना में शामिल होगा। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। ऑप्शन बी, कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने के लिए दौरान विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लिखने को कहना। ऑप्शन सी, बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने को कहना। ऑप्शन ए, केवल ए सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल ए सही है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है, इसके लिए विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम संबंधी रिपोर्ट लिखने का सुझाव देगी, जबकि कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने के दौरान शिक्षार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लिखने को कहना और बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने को कहना, ये कथन तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जलवायु एक लंबे समय बाद परिवर्तित होती, जबकि मौसम दिन सप्ताह और महीनों पर परिवर्तन होता रहता है और मौसम पर गाने एकत्रित करता भी सही नहीं है। इस प्रकार केवल विकल्प ए सही है। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, कथन एक ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्त चित्र द्वितीयक स्रोत होगा। कथन दो, विश्व कोश सूचना के प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए, एक और दो दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी, एक कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ऑप्शन सी, कथन एक से एक और दो सही है, कथन डी कथन एक गलत है, सही दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50, सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए, अव्यवहारिक है। ऑप्शन बी, यह बस यंत्रवत कंटस्थ करने के बारे में है। ऑप्शन सी, इसमें समस्या समाधान के कौशल की जरूरत नहीं होती है। उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, केवल ए और बी। ऑप्शन बी, केवल बी और सी। ऑप्शन सी, केवल ए और सी। ऑप्शन डी, ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 51, आप जिस शहर कस्बा गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और यह पता लगाइए कि वे कितने समय से विद्वान है। यह प्रश्न विद्यार्थियों की रिक्त स्थान की समझ को आंकने का प्रयास करता है। निरंतरता, जटिलता, विषमता, उपयुक्त विकल्प चुने। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन डी, ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 52,
एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगी? ऑप्शन ए सहभागी आकलन, ऑप्शन बी मानक संदर्भित आकलन, ऑप्शन सी मानदंड संदर्भित टेस्ट, ऑप्शन डी रूब्रिक आधारित आकलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मानक संदर्भित आकलन। एक शिक्षिका को विद्यार्थी की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, इसके लिए मानक संदर्भित आकलन परीक्षण के लिए प्रासंगिक होगा। मानक संदर्भित आकलन छात्रों सहित विविध तरीकों से समझाने का प्रदर्शन करना चयनित प्रतिक्रिया, लेकिन सीमित नहीं। शारीरिक निर्माण लिखित प्रतिक्रियाओं और प्रदर्शन के स्तर को बताता है। शिक्षक एक विशिष्ट मानक के संदर्भ में सीखने को रेखांकित करने के लिए सभी उपलब्ध अवलोकनों और मात्रात्मक जानकारी का उपयोग करता है। इन आंकड़ों के साथ एक शिक्षक किसी विशेष अवधारणा की महारत हासिल करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों या कार्यों को तैयार कर सकता है। क्वेश्चन 53। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने की कहती है। विद्यार्थियों को निम्न में से किस गतिविधि या गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है? ऑप्शन ए लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करना सही। ऑप्शन बी भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना तथा विषय से संबंधित चर्चा करना। सही विकल्प चुने ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 54। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाले क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए शिक्षकों का भाग कम करना ताकि वह कम संख्या में परियोजनाओं को आंक सके। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन सी क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी प्रभावी लागत वाले होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना। क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से किस प्रश्न से छात्र के व्यावहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है? ऑप्शन ए अक्षांश क्या है, ऑप्शन बी रूढ़िबद्ध धारणाएं एक लड़की के जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह के कार्रवाई की जरूरत है, ऑप्शन सी डी निगम पार्षद कौन सा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 56। सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा में उत्पन्न हुए किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षक जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह के सामाजिक संदर्भों से आते हैं तभी मुद्दे उठाने चाहिए। ऑप्शन सी उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च जवार होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 58। कोरियोलिस प्रभाव जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रभावित करता है को समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए? ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन वे अक्ष से, ऑप्शन बी परिक्रमण एवं आत्पन से, ऑप्शन सी हिमनद वे ध्रुवीय जलवायु से, ऑप्शन डी तुंगता ऊंचाई समुद्र तल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन वे अक्ष से। क्वेश्चन 59। घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए पीड़िता, ऑप्शन बी संघर्षरत, ऑप्शन सी उत्तर जीवी सवाई वर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 60, भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे? उपयुक्त विकल्प को चुनें। हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में ऑप्शन सी इसकी परिभाषा और विशिष्टता बताते हुए ऑप्शन डी समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। इसका आंसर होगा ए बी एंड डी। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन सी डी ए, ऑप्शन डी ए बी डी। इसका आंसर होगा डी।